हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में, और मैं हूं रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं कि YouTube सेटिंग्स में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं और कैसे इनका यूज़ किया जाता है। अगर आप YouTube पर वीडियोज़ देखते हैं और इसके रेगुलर यूज़र हैं, तो आप इस वीडियो में YouTube की सेटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं YouTube की सभी A to Z सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, YouTube की सेटिंग पेज में जाने के लिए सबसे पहले आपको टॉप राइट साइड में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं सेटिंग्स। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने अलग अलग फीचर्स आ जाएंगे। तो गाइज, इनके बारे में वन बाय वन करके इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं जनरल का। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक, तो गाइज इसके सामने ये टॉगल बटन आप जैसे ओपन करोगे, इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा रिमाइंड फ्रीक्वेंसी का। तो गाइज यहाँ से आप रिमाइंड फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं और उसमें वीडियोज़ देख रहे हैं, ऐसे में आप कुछ टाइम बाद के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आधे घंटे बाद किसी काम के लिए ब्रेक लेना है, तो आप यहाँ पर उसका टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिमाइंडर टाइम डाल सकते हैं, और जैसे वो टाइम कंप्लीट होगा तो वीडियो के बीच में ही आपको इसका रिमाइंडर मिल जाएगा और वीडियो प्ले होना बंद हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, आप यहाँ पर ब्रेक टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डार्क थीम। तो गाइज इसके सामने ये टॉगल बटन ऑन करके आप यूट्यूब पर डार्क थीम इनेबल कर सकते हैं और अपने YouTube को नाइट मोड में यूज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं इसे वापस नॉर्मल मोड में कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है यहां पर लिमिट मोबाइल डेटा यूसेज। तो गाइज इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को ऑन कर देंगे, तो आपके मोबाइल डेटा पर वीडियोस लोअर क्वालिटी में प्ले होंगी, जिससे कि आप काफ़ी डेटा बचा सकते हैं, और हाई क्वालिटी वीडियोस ओनली वाईफाई पर ही प्ले होंगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूटेड प्लेबैक इन फीड्स। तो गाइज इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें तीन ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑन सेलेक्ट रहता है। तो गाइज इसके थ्रू जो आपकी यूट्यूब स्क्रीन है, उसमें आप जैसे जैसे ब्राउजिंग करते जाएंगे, उसमें अलग अलग वीडियोस ऑटोमेटिकली म्यूट होके प्ले होने लग जाएंगे। आपने देखा ही होगा दोस्तों, वीडियो ओपन करे बिना ही ये वीडियोस ऑटोमेटिकली 4 से 5 सेकंड तक प्ले होती है, फिर ऑटोमेटिकली दोबारा से रीप्ले होती हैं। तो गाइज अगर आप इसे मोबाइल डेटा पर बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वाईफाई ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऑफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है, डबल टैप टू सीक। तो गाइज जैसा कि आप जानते ही होंगे, YouTube पर वीडियो देखते टाइम आप उसकी लेफ्ट स्क्रीन पर डबल टैप करके उसे 10 सेकंड पीछे रिवाइंड कर सकते हैं, और वीडियो की राइट स्क्रीन पर डबल टैप करके आप उसे 10 सेकंड आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी सीक टाइम को आप इस ऑप्शन की हेल्प से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें 5 से लेकर 60 सेकंड तक आप डबल टैप सीक टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर अपलोड। तो दोस्तों, YouTube ऐप के थ्रू भी आप अपने YouTube अकाउंट पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और वो वीडियोस आप कौन से नेटवर्क पर अपलोड करना चाहते हैं, आप यहां से उसे सेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो गाइस यहां पर अगर आप ओनली वेन ऑन वाईफाई सेलेक्ट करेंगे, तो वाईफाई पर वीडियोज़ अपलोड होंगी, और अगर आप यहां पर ऑन एनी नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, तो आपका मोबाइल डेटा यूज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर लोकेशन। तो दोस्तों, इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने YouTube की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर कोई अदर कंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो उस कंट्री से रिलेटेड जो YouTube वीडियोस होंगे, वो भी आपको YouTube पर ब्राउज होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट रहता है, और अगर आप किसी और कंट्री से हैं, तो आपकी कंट्री सेलेक्ट होगी। वैसे दोस्तों, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप यहाँ पर अदर कंट्री को सिलेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके IP एड्रेस के बेस पर लोकेशन सेट करता है। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड मोड। तो गाइज इसके सामने इसे टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे, तो आपके YouTube पर इनअप्रोप्रिएट या फिर एडल्ट कंटेंट्स बंद हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, आपने YouTube पर देखा ही होगा, बहुत सारी गलत वीडियोस भी ब्राउज होती हैं। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, तो जो भी गलत कंटेंट्स होंगे YouTube पर, वो सभी 80 से 90% तक आपके YouTube ब्राउज़र में बैंड हो जाएंगी। लेकिन 10 से 20% तक गलत कंटेंट्स को ये फीचर फाइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि उन वीडियोज़ के मेटा डिस्क्रिप्शन में
अदर लैंग्वेज होती है जिसे यूट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद आप यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, इनेबल स्टेट्स फॉर नर्ड्स। तो गाइज इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते टाइम उसकी अदर हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह से कोई वीडियो प्ले करेंगे और उस वीडियो पर टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, स्टेट्स फॉर नर्ड्स। तो गाइज जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से वीडियो स्क्रीन में आपका डिवाइस नेम, वीडियो आईडी, वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, बैंडविड्थ या वीडियो रेजोल्यूशंस आ जाएंगे, तो आप इन्हें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जनरल सेटिंग्स के सभी फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अब इसे बैक कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो प्ले। तो गाइज जैसे आप इस पर क्लिक करके इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके सामने ये टॉगल बटन आप देख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। तो इससे दोस्तों आप यूट्यूब पर जब भी कोई वीडियो देखते हैं और वो वीडियो फिनिश हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाता है। सो अगर आप यहाँ पर इस तरह से इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देंगे तो वीडियो फिनिश होने के बाद दूसरी वीडियो ऑटो प्ले नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड्स का। तो गाइज इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शन ओपन होंगे। तो गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड क्वालिटी, इस पर क्लिक करके आप YouTube से जो वीडियोस डाउनलोड करते हैं उनकी क्वालिटी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 360p यानी कि मीडियम क्वालिटी सेलेक्ट रहता है, यानी कि YouTube में जो भी वीडियोस आप डाउनलोड करते हैं वो मीडियम क्वालिटी में डाउनलोड होती हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होगा वीडियो डाउनलोडिंग में। और अगर आप कम डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लो क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर आस्क ईच टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे जब भी आप कोई वीडियो YouTube पर डाउनलोड करेंगे तो आपसे डाउनलोडिंग क्वालिटी पूछी जाएगी और आप अपने अकॉर्डिंग हाई, मीडियम, लो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आप ये ऑप्शन देख सकते हैं डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली। तो गाइज इसके सामने आप ये टॉगल बटन ऑन कर देंगे तो जब भी आप YouTube से कोई वीडियो डाउनलोड करेंगे तो वो आपके मोबाइल डेटा से डाउनलोड नहीं होगी जब तक आप वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर देते हैं, यानी कि वाईफाई के थ्रू ही आप YouTube से वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है रिकमेंड डाउनलोड्स। तो गाइज इसके सामने अगर ये टॉगल बटन इनेबल है तो आपके YouTube डाउनलोड सेक्शन में आपको रिलेटेड वीडियोस डाउनलोड करने की सजेशंस मिल जाएंगी, यानी कि मोस्टली जो वीडियोस आप YouTube पर देखते हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस होंगी उनको डाउनलोड करने के लिए YouTube आपको सजेस्ट करता है। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि आप ऑफलाइन भी होंगे तब भी आपको ये वीडियो शो होती रहेंगी, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। जैसे आप ऑफलाइन होते थे ये वीडियोस हाइड हो जाती थी, लेकिन अब ऑफलाइन होते हुए भी डाउनलोडिंग सेक्शन में आपको इन वीडियोस पर डाउनलोडिंग का बटन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोडिंग के लिए एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा ये वीडियोस ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं यूज़ SD कार्ड। तो गाइज इसके सामने ये टॉगल बटन ऑन रहता है तो जो भी वीडियो आप YouTube से डाउनलोड करेंगे वो सीधे आपके SD कार्ड में सेव होगी, और अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपका डाउनलोडिंग वीडियो मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सेव होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलोडिंग हेल्प। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोडिंग से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी वीडियो आप YouTube से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके SD कार्ड में YouTube वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इस तरह की तमाम हेल्प आप यहां से ले सकते हैं। यहां पर आपको अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर डिलीट ऑल डाउनलोड्स। तो गाइज जितने भी वीडियोस आपने YouTube पर डाउनलोड किए हैं उनको डिलीट करना है तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो गाइज यहाँ पर आपको डिलीट किए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सभी डाउनलोडेड वीडियो डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आप बॉटम साइड में ये ऑप्शन देख सकते हैं अवेलेबल स्टोरेज का। तो गाइज यहाँ पर आप अपने इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड का स्टोरेज चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है। डाउनलोड्स के बाद नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर वॉच ऑन TV। तो गाइज इस फीचर की हेल्प से आप YouTube को TV पर चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास स्मार्ट TV होना चाहिए जिसमें वाईफाई अवेलेबल हो। सो अगर आपके पास एक स्मार्ट TV है तो आपको अपने TV को ऑन करना है और साथ ही इस ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो पहले आपको अपने TV का वाईफाई ओपन करना है, उसके बाद ओपन वाईफाई सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने TV से वाईफाई कनेक्ट करवाना है।
कनेक्ट करने के बाद अब आपको एंटर टीवी कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कोड दिया होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप राइट कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे उसके बाद यहाँ पर लिंक का ये बटन हाईलाइट हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने टीवी में यूट्यूब देख पाएंगे। यहीं पर दोस्तों आप कांट फाइंड योर टीवी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके सपोर्ट ले सकते हैं और टीवी पर यूट्यूब चलाने की पूरी प्रोसेस यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप अपने टीवी को यूट्यूब से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक करके आप अपने यूट्यूब की हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं क्लियर वॉच हिस्ट्री, तो गाइज इस पर क्लिक करके आप अपने यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, तो गाइज यहाँ पर क्लियर वॉच हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद जितने भी वीडियोज आपने देखे होंगे उन सभी की वॉच हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर सर्च हिस्ट्री, तो गाइज जो कुछ भी आप YouTube पर सर्च करते हैं उसकी भी एक हिस्ट्री बनती रहती है, और अगर आप अपनी YouTube सर्च हिस्ट्री को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा, तो गाइज यहाँ पर आपको क्लियर सर्च हिस्ट्री के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये दो ऑप्शन देख सकते हैं पॉज वॉच हिस्ट्री एंड पॉज सर्च हिस्ट्री। अगर इसके सामने इन टॉगल बटन्स को आप ऑन कर देंगे तो जो कुछ भी आप YouTube पर देखेंगे या YouTube पर सर्च करेंगे उनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं बनेगी, और ऐसे में आपको वॉच हिस्ट्री या फिर सर्च हिस्ट्री क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों मैनेज ऑल एक्टिविटी, तो गाइज इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी सभी एक्टिविटी आ जाएगी जो भी आपने अपने यूट्यूब ऐप में की होंगी, यानी कि जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, जो कुछ भी आपने YouTube पर सर्च किया होगा या फिर जो कुछ भी आपने लाइक डिसलाइक किया होगा उन सभी को आप यहां पर देख सकते हैं और यहां से उन्हें मैनुअली अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने YouTube पर किसी यूज़र को ब्लॉक किया होगा तो वो आपको यहाँ पर ब्लॉक कॉन्टैक्ट के अंदर शो हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जिसे आप यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है YouTube टर्म्स एंड सर्विस, तो गाइज YouTube की जितनी भी नियम और शर्तें हैं आप यहाँ पर उन्हें देख सकते हैं, और जो कुछ भी टर्म्स एंड सर्विस यहाँ पर अपडेट होती है YouTube की तरफ से वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से गाइज YouTube की हिस्ट्री एंड प्राइवेसी सेक्शन यहाँ पर फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है पेड मेंबरशिप, तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप YouTube पेड मेंबरशिप ले सकते हैं और एड्स फ्री YouTube का यूज कर सकते हैं। ये फीचर बेसिकली म्यूजिक लवर्स के लिए है, यानी कि आप यहाँ पर एड्स फ्री म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर 1 मंथ या फिर 3 मंथ का प्लान चूज कर सकते हैं या फिर ऑटो पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आप YouTube पर कोई भी म्यूजिक देखेंगे या सुनेंगे वो बिल्कुल एड्स फ्री होगा, और इसे आप मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप या फिर टैब में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप मिनिमाइज करके इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे FM का यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बिलिंग एंड पेमेंट्स, तो गाइस इस पर क्लिक करके आप YouTube में पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं और परचेजिंग कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों पेड मेंबरशिप लेते समय मेथड यूज होता है उसी तरह से आप अदर परचेजिंग के लिए इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है नोटिफिकेशंस, तो इस पर क्लिक करके आप अपने यूट्यूब की नोटिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल डाइजेस्ट, तो गाइज इसके सामने इस टॉगल बटन को इनेबल करके आप यूट्यूब की ऑल नोटिफिकेशंस को एक टाइम पर सेट कर सकते हैं। जैसे आप इस टॉगल बटन को ऑन करेंगे इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, तो गाइज यहां पर आप ये टाइम देख सकते हैं 7 PM। इसी तरह से आप यहां पर कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहां पर ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे आपके यूट्यूब पर ऑल नोटिफिकेशन डिलीवरी टाइम सेट हो जाएगा। इसके बाद आपके सेट किए हुए टाइम पर ही आपको यूट्यूब की ऑल नोटिफिकेशंस रिसीव होंगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है सब्सक्रिप्शंस, तो इसके सामने अगर ये टॉगल बटन इनेबल है तो जिन चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया होगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी जब जब वो वीडियो पब्लिश करेंगे। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपको उन चैनल्स की नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर चैनल सेटिंग्स, तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन चैनल्स को देख सकते हैं जिनको आपने सब्सक्राइब किया होगा, और अपने सब्सक्राइब किए हुए चैनल में आपने किन किन का बेल आइकन प्रेस किया है किन का नहीं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप
अपने अकॉर्डिंग बेल नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, YouTube पर अगर आपने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो भी अगर आप उस चैनल का वीडियो देखते हैं या फिर उसे लाइक करते हैं तो YouTube आपको उन चैनल्स की नेक्स्ट वीडियो को रेकमेंड करता है और आपकी ब्राउज हिस्ट्री में वो शो होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल होता है, रेकमेंडेड वीडियोज़। तो गाइज, अगर आप इसके सामने इस टॉगल बटन को ऑफ कर देंगे तो आपको इस तरह की रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगी। अब अगर दोस्तों आपका YouTube चैनल है और आप उसमें वीडियो बनाकर पब्लिश करते हैं तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन देखते हैं, एक्टिविटी ऑन माय चैनल्स। तो गाइज, इसके सामने ये टॉगल बटन अगर इनेबल है तो आपके चैनल पर जो भी एक्टिविटी होगी या फिर आपके वीडियोस में कोई कमेंट करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको YouTube पर मिल जाता है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपको इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इन सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं, इनके सामने भी ये टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। तो इसके थ्रू अगर आप किसी वीडियो पर कमेंट करते हैं और उसका कोई रिप्लाई देता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और अगर कोई अदर यूज़र आपके चैनल को मेंशन करता है या फिर आपके वीडियोस को अपने चैनल पर शेयर करता है तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको यूट्यूब दे देता है। यहीं पर दोस्तों आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं, प्रोडक्ट अपडेट्स। तो गाइज, जैसे ही YouTube कोई अपडेट मांगता है तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है या फिर YouTube में कोई भी न्यू अनाउंसमेंट होती है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाती है। यहीं पर दोस्तों आप ये नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, वॉच ऑन टीवी। तो गाइज, जिन YouTube वीडियोस को आप टीवी पर देख सकते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको YouTube देता है। अगर आप इस तरह की सभी नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो इसके सामने आपको इन टॉगल बटन्स को डिसेबल कर देना है। और गाइज, YouTube की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो स्पेसिफिक टाइम आपने सेट किया था उसके दौरान नोटिफिकेशन साउंड को अगर आप बंद कर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिसेबल साउंड एंड वाइब्रेशंस के सामने इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देना है। दोस्तों, YouTube में आप ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं और YouTube के थ्रू उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कनेक्टेड अकाउंट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग गेम्स आ जाएंगे, जैसे कि पबजी, रियोड गेम्स, एपिक गेम्स, इस तरह के और भी गेम्स आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज, इन पर क्लिक करके आप इन्हें YouTube में ही प्ले कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर लाइव चैट। तो गाइज, अगर आपका YouTube पर चैनल है और आप लॉन्ग वीडियो या फिर लाइव चैट करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके होल्ड फॉर रिव्यू के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे तो जब भी आप YouTube पर लाइव करेंगे तो ऑडियंस के कमेंट डिले होकर आपके सामने आएंगे। और साथ ही दोस्तों जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स होंगे, जो गलत कंटेंट्स होंगे, वो YouTube रिव्यू करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा। लाइव चैट के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है कैप्शंस। तो गाइज, आपने YouTube पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें नीचे की तरफ से कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, यानी कि वीडियो में जो बताया गया है उसके बारे में नीचे की तरफ से एक लाइन चलती रहती है जिसे सबटाइटल भी कहते हैं। तो गाइज, अगर आप अपने YouTube पर सबटाइटल्स यानी कि कैप्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस टॉगल बटन को इनेबल कर देना है। जिसके बाद YouTube पर आप कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें सबटाइटल ऐड है तो वीडियो के बॉटम स्क्रीन में आपको इस तरह का सबटाइटल प्ले होता दिख जाएगा। यहीं पर दोस्तों अगर आप सबटाइटल की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जिनमें आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर आप टेक्स्ट साइज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबटाइटल का जो फॉन्ट है उसे स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज कर सकते हैं। और कैप्शन स्टाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैप्शन का फॉन्ट स्टाइल इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि आप इस पॉपअप में देख रहे हैं, जैसे कि वाइट ऑन ब्लैक, येलो ऑन ब्लैक या फिर वाइट ऑन ब्लू बैकग्राउंड। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, एक्सेसिबिलिटी। तो गाइज, इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस में एक्सेसिबिलिटी प्लेयर का ऑप्शन आएगा। तो इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को ऑन कर देते हैं तो इसके बाद जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करेंगे तो उसमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप हाइड प्लेयर कंट्रोल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके हाईलाइटेड ऑप्शंस को हाइड करने का टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड या फिर नेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पर 5 सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब आपको कोई वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी जो एक्सेसिबिलिटी वीडियो कंट्रोल्स हैं वो सभी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गए हैं और आपके सेट किए टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से ये यहाँ से हाइड भी हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये फीचर पसंद आता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है
अबाउट, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ से आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस को पढ़ सकते हैं, गूगल प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब ओपन सोर्स लाइसेंस देख सकते हैं, या फिर अपनी यूट्यूब ऐप का लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यूट्यूब की सभी सेटिंग्स। आई होप आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।